एवरीवन, दिस इज मी सुप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कंसीलर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है कंसीलर अप्लाई करने का, सो मैं आज आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिस ना कर सके, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कीजिएगा। कंसीलर को अप्लाई करने के लिए तो ये एज इट इज भी अप्लाई होता है, मैं आपको दोनों वेज दिखाती हूँ। सबसे पहले कंसीलर अप्लाई करने से पहले आपको उसको अंडर आई डार्क सर्कल को कंसील करना है, तो इस तरह से एक आपको वी बनाना होता है। प्लस मुझे यहाँ पे पिगमेंटेशन है तो मैं उसको कवर करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। वी बनाने से क्या होता है कि एक तो आपकी अंडर आई कवर होती है, प्लस आपकी आईज जो है वो हाईलाइट भी होती हैं। उसके अलावा मुझे हल्का सा डार्कनेस, जैसे हमारे इंडियन स्किन में होता ही है, माउथ के पास के एरिया पे हल्की सी डार्कनिंग होती है, तो वहां पे भी हम कंसीलर अप्लाई करते हैं, और थोड़ा सा नोज के ऊपर, नोज बोन के ऊपर हाईलाइटिंग का इफेक्ट देने के लिए, ताकि लाइट जब वहां पे पड़े तो वो आपका एरिया फेस का आ गया। चाहे तो हल्का सा फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अब कंसीलर जो है उसको आपको ध्यान रखिए कि रब ऑफ नहीं करना है। सो आप उसको या तो अपनी फिंगर, रिंग फिंगर, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, उस फिंगर का इस्तेमाल करके इस तरह से डैप कर सकते हैं। पूरे आईज के इनर कॉर्नर तक से बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऑयली कंसिस्टेंसी का है। यहाँ का एरिया कितना ब्यूटीफुली लाइटन अप हो गया है अप्लाई करने के बाद। तो कभी भी कंसीलर को आपको रब ऑफ नहीं करना है, आपको हमेशा उसको डैप करना है। आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं। देखिए मैं बस उसको प्रेस कर रही हूँ, प्रोडक्ट को आपको प्रेस करना है। थोड़ा सा आप इसको अपने से आईलिड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो सिमिलर कलर का हो जाए, फिर आपका आई शेडो का स्टे भी बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी कंसीलर लगाने के बाद फेस जो है वो कितना ज्यादा और ग्लोई हो गया है। प्लस जहां पे भी फाउंडेशन लगाने से पहले जो अनइवननेस थी वो कवर हो चुकी है, जैसे कि माउथ के पास का एरिया जो अनइवन लग रहा था, कवरेज प्रॉपर नहीं आई थी, वो एरिया भी कवर हो गया है। प्लस आईज के नीचे अंडर आईज अच्छी तरह से कवर अप हुए हैं। फेस बहुत ज्यादा व्हाइट लग रहा है अभी, डेफिनेटली हमने लगाया है क्योंकि मेकअप थोड़े टाइम में सेट होता है। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर मेकअप आपको लगाते समय बहुत ज्यादा व्हाइट लगता है तो मेकअप सेट होने में टाइम लेता है, इसको 30-35 मिनट लगते हैं सेट होने में, आपकी स्किन के साथ एकदम नेचुरली मैच होने में। तो ये था एक सिंपल और आसान तरीका हाउ टू अप्लाई कंसीलर अप्लाई करने का। कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप उसके लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।